सो एथलेटिक्स में इस बार सारे रिकॉर्ड जो है वो बेटर हो रहे हैं और इस वक्त मेरे साथ हैं तेजस्विन शंकर। तेजस्विन जो है सिल्वर मेडलिस्ट हैं इस बार, और डेकेथलन बहुत टफ इवेंट होता है और काफ़ी दिन चलता है, 3 दिन, लेकिन एज एन एथलीट आप अपने आप को मेंटली कैसे स्टेबल रखते हैं, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग इवेंट्स उसको कंप्लीट करना, फिर फाइनल के लिए नज़र बनाए रखना। नहीं सर, बिल्कुल जैसे आपने कहा कि पूरा ये मेंटल खेल होता है, क्योंकि एक रिजल्ट या एक स्कोर से आप बहुत खुश भी नहीं हो सकते, बहुत दुखी भी नहीं हो सकते, क्योंकि 10 इवेंट्स हैं जिनको आपने टैकल करना होता है और सब में कभी आपके फेवर में रिजल्ट्स जाते हैं, कभी आपके फेवर में नहीं जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको मैनेज करके जो क्यूमुलेटिव स्कोर होता है वो अच्छा लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं गिव और टेक करना पड़ता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पोर्ट है मेरे ख्याल से, काफ़ी मेंटली आपको चैलेंज करता है, फिजिकली आपको घुटने पे आपको लेके आ जाता है, तो मज़ा उसी में। सही बात है। और जब इतने पैक्ड स्टेडियम में वो खिलाड़ी जो आपके लिए खुश हो रहा हो, आपको चीयरअप कर रहा हो, जिसे सब पूरी दुनिया पसंद करती है, नीरज चोपड़ा, वो आपके इवेंट जब आप पोल कर रहे थे, थ्रो कर रहे थे, वो आपको जो है चीयरअप कर रहे थे, वो फीलिंग कैसी थी? बहुत अच्छी फीलिंग थी कि खासकर जब मैं जैवलिन फेंक रहा था, यूजुअली तो हम नीरज को जैवलिन फेंकते हुए देखते हैं, उसके लिए चीयर करते हैं, लेकिन आज एक बहुत बड़ा हाईलाइट था कि मैं जैवलिन फेंक रहा था और नीरज मेरे लिए खड़े होकर ताली बजा रहा था, तो उससे अच्छी तो फीलिंग एक एथलीट को कहीं हो ही नहीं सकती, तो मेरे को काफ़ी खुशी है उससे। सही बात है। और वो एक आप कह सकते हैं कि बूस्टर भी है एक तरीके का, लेकिन आपको क्रैम्प्स भी आए थे, उससे आपने ओवरकम किया और यहाँ तक पहुँचे, सिल्वर मेडल आया। इंजरीज कभी कभी एथलीट को परेशान करती हैं मेंटली, एक आपको लगता है कि यार नहीं, वो बॉडी साथ नहीं दे रही है, या फिर हम पुश करते हैं अपने आप को? बिल्कुल सर, आई मीन इंजरीज वगैरह तो खेल का पार्टी है, इंजरीज के बिना खेल नहीं है और खेल के बिना इंजरी नहीं है, तो उसको हमें स्ट्राइड में लेके चलना चाहिए, और कहीं ना कहीं इसीलिए ट्रीटमेंट और ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब इंजरी से जो डर गया फिर खेलने का फायदा ही क्या, तो इट्स जैसे अगर इंजरी, अगर एथलेटिक्स स्पोर्ट्स अगर ज्वेलरी है तो फिर इंजरी तो उसमें हीरा है, तो इंजरी होना बहुत ज़रूरी है और उससे ओवरकम करना उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट क्वेश्चन, आप यहाँ से चूंकि ओलंपिक्स बहुत नज़दीक है, आप कैसे प्लान कर रहे हो अपने इवेंट्स को और कितना कॉन्फिडेंस है आपको क्वालिफिकेशन का? अभी तो सर मैं ये बहुत ज़्यादा प्लान इसके बारे में मैंने किया है कि मैं जाके रेस्ट लूँगा और अगले एक महीने के लिए मैं स्पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा, क्योंकि मेरे इस साल का बहुत बड़ा टारगेट था कि बहुत बड़ा सपना था एशियन चैंपियनशिप्स और एशियन गेम्स में मेडल हासिल करने का इंडिया के लिए, वो भी डेकैथलन इवेंट में, जो दोनों गोल्स मेरे जो इस साल के थे मैंने फ़ोन में अपने स्क्रीन में लिख के रखा था और वो सफल हुआ, तो उससे ज़्यादा खुशी की बात तो कुछ है नहीं है, तो अभी तो फिलहाल मैं इस साल को और इस विक्ट्री को एंजॉय करना चाहूँगा बिफोर अगले साल के प्लानिंग करने से पहले। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब, जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैंप।